नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं और भारत की विरासत को समझना है। भारत की परंपराओं में कई जो है वो परंपराएं ऐसी हैं जिसके बारे में हम उसके तार्किक या वैज्ञानिक पहलू को नहीं जानते हैं। तो भारत की पारंपरिक मूल्य और जो है जो धरोहर है, इसमें हम लोग कुछ जो है वह चर्चाएं हम लोग उसकी वैज्ञानिकता के आधार पर या तर्क के आधार पर भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि मंदिर में अक्सर घंटी का प्रयोग किया जाता है। तो कई लोगों को जो इस धर्म से आस्था नहीं रखते हैं, उनके लिए तो यह जो है कर्णप्रिय नहीं होता है, बल्कि उनके लिए कर्ण भेदक होता है, यानी कि उनके कानों को यह जो है भेद रहा होता है, उनके कानों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें जानना होगा कि समझना होगा कि आखिर ये जो है घंटी का प्रयोग क्यों किया गया, आखिर मंदिर में घंटी का प्रयोग क्यों किया गया। तो आइए हम लोग इसकी एक व्याख्या को लेकर चलते हैं। एक व्याख्या देखिए, पहली बात कि किसी भी मंदिर में यह दृश्य एक सामान्य सा दृश्य है कि हम मंदिर में घंटी को जो है वह देख रहे हैं, और कई बार जो है वह घंटी एक नहीं बल्कि कई जो है वह घंटियों का समूह जो है वह भी होता है। तो आखिर एक घंटी हो या कई घंटियां हो, आखिर इसका क्या उद्देश्य जो है वह क्या होता है। तो देखिए, मंदिर में जो घंटी है उसके उद्देश्य के संदर्भ में कई व्याख्याएं की गई हैं, उसके संदर्भ में कई व्याख्याएं की गई हैं। हम लोग आते हैं एक एक करके व्याख्याओं की चर्चा करते हैं कि क्या आखिर उद्देश्य है वह हो सकते हैं। पहला तो देखिए क्या है कि किस घंटी जो है अगर बजी तो जैसे स्कूल में जो है वह घंटी बजती है तो सब अलर्ट मोड में आ जाते हैं। स्कूल में घंटी बजी, अलर्ट मोड में आ गए। तो ठीक इसी प्रकार मंदिर में घंटी जो है वह बजने का उद्देश्य होता है कि आम जनों को एकत्रित करना, यानी अब मंदिर में पूजा अर्चना जो है वह प्रारंभ होगी, आप जो है वह मंदिर में आइए, आपका स्वागत है। तो एक तो जो है वह यह उद्देश्य है कि आम जनों को एकत्रित करना। इसके बाद दूसरा जो है वह उद्देश्य जो है की चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि सृष्टि जो यानी कि ये जो ब्रह्मांड बना है, तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो प्रथम अगर जो है वह कोई आवाज से हुई है तो वह दरअसल नाद। तो सृष्टि की उत्पत्ति ही दरअसल नाद से हुई है। नाद किसको कहते हैं? तो आप गौर करके देखिए कि जैसे एटमॉस्फेयर में जो है क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, और आप गौर करके देखिए कि आप अपने जैसे एक जूडो कराटे होता है तो आप बहुत तेजी से अपने हाथों को चलाते हैं, तो हाथ को जैसे ही हमने चलाया तो क्या हुआ कि वायुमंडल के जो कण है वो कण वहां से डिस्प्लेस हो गए। जहां जहां से हमारा हाथ क्रॉस करेगा वहां वहां से जो है वायुमंडल के कण डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये जैसे मान लीजिए पेन है, तो पेन को जैसे ही चलाया हमने, वहां से वायुमंडल का कण जो है वह क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस हो गया तो आपस में टकराया। डिस्प्लेस होकर आपस में टकराया क्यों? क्योंकि हमने उसमें गति दी। जैसे जो है पंखा अगर चलता है तो पंखा से एक ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि किस चीज की होती है? पंखे की होती है? नहीं, वह होती है हवा की, यानी वायुमंडल में जो कण टकरा रहे हैं उसकी जो है वह ध्वनि होती है। इसी प्रकार जब तलवार चलाते हैं तो तेज से अगर तलवार चलाया जाए या तेज से बांस की लकड़ी जो है वह चलाई जाए तो उससे आवाज जो है वह निकलती है, एक ध्वनि निकलती है। वह ध्वनि जो है वह क्या है? तो वह ध्वनि दरअसल एयर में मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट है, और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो है एयर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, कोलिजन हुआ, जिससे वह ध्वनि निकली। तो दरअसल आप सोचिए कि ब्रह्मांड में महाविस्फोट हुआ है, तो उस महाविस्फोट का प्रारंभ कैसे हुआ होगा? तो महाविस्फोट का जो प्रारंभ हुआ होगा, यानी जो बिग बैंग जो है वह की बात करते हैं, उस बिग बैंग का प्रारंभ कैसे हुआ होगा? तो एयर मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट से ही हुआ होगा। इसीलिए माना जाता है दरअसल कि सृष्टि की उत्पत्ति नाद से हुई है, ठीक है। और नाद को मैंने बता दिया कि यह ऊर्जा का प्रवाह है, वायुमंडल में जिससे भी कणों की गतिशीलता आएगी तो दरअसल ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो कर रही है, और वही कणों की आपस में जो टकराहट है उसी की जो ध्वनि निकलती है उसी को हम लोग नाद कहते हैं। यहां तक कि जैसे बातचीत के दौरान भी अगर हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो हमारे बोलने से जो एनर्जी निकल रही है वह एनर्जी जो है वो वायुमंडल में कणों को विस्थापित कर रही है, कणों को डिस्प्लेस कर रही है, और उससे नाद की उत्पत्ति होती है। हाँ, भले यह जरूरी है नहीं है कि वह ध्वनि जो है वह सुनाई दे, लेकिन बहुत सारी ध्वनियां सुनाई देती हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था पंखा या तलवार का चलाया जाना या जूडो कराटे के दौरान में, ठीक है।
तो ये जो नाद है, तो घंटी से भी जो निकली ध्वनि है वह नाद का प्रतीक है। तो आप देखिए, घंटी से जो एनर्जी निकल रही है, घंटी से जो ध्वनि निकल रही है, वह नाद का प्रतीक है। यानी ये हिंदू धर्म के अंदर यह माना गया कि घंटी से निकलने वाली जो ध्वनि है नाद का प्रतीक है, और वह दरअसल सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह नाद से हुई है। तो यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति से जोड़ा गया कि अब जो है वह मंदिर में ऊर्जा का संचार प्रारंभ होने वाला है, और ऊर्जा का संचार प्रारंभ होने वाला है तो आप आम जन जो है वह एकत्रित हो जाइए, ठीक है। और देखिए, ओम का जो स्वर है वह भी नाद का प्रतीक है, ओम का जो स्वर है वह भी नाद का प्रतीक है। इसके अलावा जो है वह क्या है, ऐसी मान्यता है कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा जो है वह निष्क्रिय हो जाती है। हाँ, ये उद्देश्य है, ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह साइंटिफिकली जो है वह प्रूव है, मैं कह रहा हूं कि यह जो है वह ऐसी मान्यता है। लेकिन जहां तक यह नाद की बात है, यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होंगे, टकराएंगे और ध्वनि निकलेगी। ठीक इसी प्रकार घंटी से जो है जो ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा से जो बाहर वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो है जो धूल कण है या डस्ट पार्टिकल है या एयर मॉलिक्यूल्स, वो टकराएंगे और उससे जो है ध्वनि निकलेगी, वही नाद है। अब हम मंदिर के अंदर जो है वो देखें, तो मंदिर में यह दृश्य बड़ा सामान्य सा दृश्य है, जहां हम लोग बहुत सारे घंटियों को एक साथ जो है वो देखते हैं। अब गौर करके देखिए कि घंटी जो बजाने का तरीका होता है वह जो है बिल्कुल, उसमें भी जो है वह कहा जाता है कि जो है वह कुछ नियम है। जैसे आप समझिए कि डमरू बजाने का जो है वह एक नियम है, डमरू एक वाद्य यंत्र है तो उसका नियम है, हारमोनियम बजाने का नियम है, बांसुरी बजाने का नियम है। इसी प्रकार घंटी को अगर वाद्य यंत्र माना जाए तो घंटी बजाने का भी नियम है। और नियम क्या है? तो घंटी जो है वह बजाने का तरीका लयबद्धता होनी चाहिए। यानी ग्रंथों में आवश्यक माना गया है कि लयबद्ध होना चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में रिदमेटिक कहते हैं। इसमें रिदम होना चाहिए, बिना रिदम के घंटी अगर बज रही है तो वह जो है अच्छी नहीं है। इसलिए जो है वह, जैसे जो है वह बांसुरी जो है वह अगर मैं बजाऊं या और एक बांसुरी वादक बजाए, दोनों में अंतर हो जाता है। मैं बजाऊंगा तो शायद जो है वह कोई उसे सुनना पसंद नहीं करेगा, और जो है अगर कोई बांसुरी वादक जो है वह बजाएंगे तो सब लोग उसे सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? लयबद्धता जो है वह बांसुरी में जब लयबद्धता आ गई तो उसे सुनना पसंद करते हैं। इसी प्रकार घंटी में भी लयबद्धता आनी चाहिए, ठीक है, ये जो है वह माना जाता है। अब देखिए, घंटी से जो बजाने से लयबद्ध तरीके से, तो नाद का जो है स्वर अधिक सक्रिय हो जाता है, नाद का जो स्वर है वह अधिक सक्रिय हो जाता है। तो जो निकलने वाली ध्वनि है वह अधिक सक्रिय हो गई स्वर के रूप में। और दरअसल अगर देखा जाए तो कालांतर में अगर संगीत को जो है वह जो लोग समझते होंगे या नहीं समझते हैं, तो जो है ये हमें समझना चाहिए कि संगीत की भी उत्पत्ति जो होती है वह नाद से होती है। संगीत की भी उत्पत्ति, भारतीय संगीत यानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति भी जो होती है वह नाद से होती है, और नाद का परिवर्तन श्रुति में होता है, श्रुति का परिवर्तन स्वर में होता है, और स्वर के माध्यम से ही संगीत जो है वह बनती है। जिसमें अगर भारतीय संगीत की परंपरा है तो बीच में राग और थाटों का प्रयोग होने लगता है, लेकिन यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो स्वर है इसी स्वर से संगीत जो है वह बना। इसका मतलब है घंटी जो है वह संगीत को भी जो है वह प्रेरित करने वाला एक तत्व है, एक वाद्य यंत्र के रूप में। इसी प्रकार आगे देखें हम कि घंटी का प्रचलन क्या मात्र हिंदू धर्म में है? तो नहीं, घंटी का प्रचलन केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। और अगर बौद्ध धर्म में है तो निश्चित तौर पर इसका विस्तार जो है वह भारत के बाहर भी है। और भारत के बाहर का मतलब है कि हम जो है वह पूरे पूर्वी एशिया में जो है वह देखेंगे, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में देखेंगे, चीन में, जापान में, कोरिया में, कंबोडिया में, वियतनाम में, लाओस में, म्यांमार में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, हर जगह घंटी का प्रयोग किया जाता है। और ये हर जगह घंटी जो है वह हमें प्रयोग में देखने को मिलती है। इसको हम लोग देख भी सकते हैं। देखिए, ये एक जो है वह बौद्ध धर्म का जो मंदिर है वहां पर एक बौद्ध मॉन्क जो है वह घंटी बजा रहे हैं। बस है कि घंटी बजाने का तरीका अलग हो गया। जैसे हिंदू धर्म में जो है वह देखिए इसे आंतरिक भाग से बजाया जा रहा है, तो बौद्ध धर्म में जो है वह क्या है, बाहर से बजाया जा रहा है। लेकिन दोनों से ही दरअसल ऊर्जा जो है प्रेरित की जा रही है, और उस ऊर्जा के प्रेरित करने से क्या हो रहा है, नाद की उत्पत्ति हो रही है। तो घंटी जो है का उद्देश्य जो है वह वास्तव में नाद की उत्पत्ति, और उसके माध्यम से आम जनों को जो है वह
प्रेरित करना, आमजनों को बुलाना और नकारात्मक ऊर्जा को जो है वहां से भगाना, यह उद्देश्य है। और शायद इसी वजह से हिंदू धर्म के अंदर भी घंटी को मंदिरों में स्वीकार किया गया और यह जो है आज एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।